हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के कैची धाम के पास पाडली गांव से। तो आज है 15 अगस्त। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। तो आज का जो मौसम है, कल रात से ही बारिश हो रही थी, रात को लगभग 1:30 बजे से बारिश हो रही है और अभी बादल बिल्कुल बंद है, मौसम तो बिल्कुल बंद हो रहा है। और ये हमारा घर है, बहुत सुंदर सा। और लोग पूछ रहे थे आपका गांव कहाँ है। ये मेरा घर है गांव। देखो यहाँ पे ना बहुत दूर दूर में घर हैं, जैसे 4-5 घर उस सामने हैं, वहाँ पे हल्का हल्का जहाँ हॉल दिख रहा है यहाँ पर, और एक घर है यहाँ नीचे, 4 घर हैं यहाँ पर, और जो ऊपर ये बड़ा सा देवदार का पेड़ दिख रहा है यहाँ पर, 5-6 घर वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर घर क्या है ना, बहुत दूर दूर में है, नज़दीक कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे और सेपरेट सेपरेट है। गांव जो बहुत बड़ा सा गांव है वो है पीछे की तरफ, ये वाले जो पेड़ दिख रहे हैं इनके उस तरफ है, बहुत बड़े से गांव हैं, बाखली जिसको बोलते हैं। और ये हमारा खेत और जहाँ पर लगी हुई हैं सब्जियाँ, इसमें शिमला मिर्च, और ये है आपका उड़द जिसको हमारी भाषा में मांस बोलते हैं, और ये हों कुनी हमारे सगी मिर्च, ठीक है। और ये है भड्ड यानी कि बैगन, भड्ड हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, और ये है वैसे बैगन। ये है मक्का जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में काकुनी बोलते हैं। लौकी, लौकी को तो लौकी बोलते हैं आपके वहाँ तो पता नहीं, खीरा को हमारे वहाँ काकड़ बोलते हैं, सामने लगे हुए जो बड़ी बड़ी सी बेल दिख रही हैं। बस बाकी ये घास वास हो रही है, ये महीन मिर्च है नीचे ये वाली, इसमें देखो मिर्च लग रही है अभी, ठीक है। मौसम का हाल कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अभी जा रहा हूँ जागेश्वर धाम, तो सावन का महीना भी जाने वाला है, जागेश्वर धाम घूम के आते हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गया भी नहीं हूँ और वहाँ जाना मुझे अच्छा भी लगता है। बारिश भी हो रही है, कुछ पता नहीं है उधर कैसा मौसम होगा, लेकिन फिलहाल जाते तो हैं ही, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको आगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम, और यहाँ पर देखो धूप आ रही है मस्त वाली, और ये है बाजार जागेश्वर धाम की, ये पूरी मार्केट है जहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा और साथ में शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बाजार लग रही है अभी, और इस तरफ वहाँ सामने ना भंडारा लगा हुआ है वहाँ पर, तो सावन के महीने में अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर भंडारा होता है, होता ही है मतलब। और ये देखो, और पार जाने के लिए लकड़ी वाला पुल बना के रखा हुआ है, लोहे के एंगलों में लकड़ी वाला पुल है, मस्त हो रहा है ना। तो भाई बहुत मस्त जगह है जागेश्वर धाम, हर हर महादेव। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से महज 35 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर आप ये मंदिर पूरे घने जंगलों के बीचों बीच में है, और चारों तरफ देवदार के सुंदर से वृक्ष, इस तरफ से गाँव, और धूप आ रखी है तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा, अदरवाइज़ बारिश तो हमेशा रहती है यहाँ पर। फाइनली आज हम लोग भी पहुँच गए काफ़ी टाइम के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के 2 गेट हैं, उस तरफ फ्रंट वाला और इस तरफ से चप्पल वगैरह उतारने के लिए। Thank you.
अभी हम लोग हैं जागेश्वर धाम में, हमारी पूजा पाठ तो हो चुकी है और अभी यहाँ पर जो चल रहा है वो जगह जगह पर लोग पार्थिव पूजा करवा रहे हैं। ठीक है, सभी जगह पर ये धोनी है जहाँ पर लास्ट में हवन वगैरह होता है, तो वो हवन हो रहा है और साथ में अलग अलग ग्रुप में बैठ के आप यहाँ पर पार्थिव पूजा वगैरह करवा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है, शांति की अनुभूति होती है यहाँ के। पहली बार आया ना, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, इसको तो सारी चीज़ें बढ़िया लगती है लेकिन ये जगह तो वास्तव में बहुत बढ़िया है। तो वही 108 मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, पूरे सूर्य देवता का मंदिर भी है और ये देखो सब जगह पर पार्थिव पूजा करवा रहे हैं लोग अलग अलग जगह पर बैठ के। आज लास्ट दिन है सावन का और तो उस हिसाब से थोड़ा कम भीड़ है, अदरवाइज पूरा भरा रहता है। और ये वृक्ष को देखो, विशाल का ये पेड़, कितना विशाल पेड़ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये त्रिपाल इसलिए लगा रखे हैं ताकि अगर बारिश वगैरह होती है ना तो पानी वन साइड को निकल जाएगा ऐसा। ये वाला जो मंदिर है केदारेश्वर बाबा का मंदिर है ये वाला, और जो मंदिर की बनावट है वो बहुत ही प्यारे प्यारे शिलाओं से बनी हुई है। और ये देखो इनमें जोड़ कितना प्यारा लगा रखा है, सारे मंदिर जोड़ में हैं और बहुत प्यारे शिलाओं से बनी हुई मंदिर हैं। हर हर महादेव। और ये देखो पक्का ओखली कूटने जैसा वाला ऐसा कुछ बनाया है और पूरे पत्थरों से बना रखा है, इतना बड़ा पत्थर भाई कैसे बनाया होगा। आप लोग देखो कि हमारे पहाड़ की खूबसूरती जो है वो कुछ ऐसी है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो है ये। ठीक है, आप अपने जूते चप्पल उस तरफ उतार सकते हैं। ये भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ पर आप लास्ट में जाएंगे पूजा पाठ करने के बाद जब वापस आएंगे। ठीक है गाइस, ये है महामृत्युंजय मंदिर, मुख्य मंदिर है सामने और ये जो मंदिर है ये है अपना केदारेश्वर महादेव। तो केदारनाथ महादेव के दर्शन भी आपको यहीं हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। बाकी अभी धूप आ रखी है और यहाँ पर ये जितने भी ये है ना पत्थर लगा हुआ है ये सारा पत्थर लोकल का पत्थर है और बहुत ज़्यादा अभी गर्म हो रहा है धूप की वजह से। बाकी आपको पूरे मंदिर में सिर्फ पत्थर की कलाकारी ही दिखेगी और मंदिर के टॉप पर ही थोड़ा सा लकड़ी का काम किया गया है बस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है, तो भाई भंडारे में यहाँ पर कैटरिंग सेवा जैसा चल रहा है, दाल चावल खीर और आपका टिक्की और गोलगप्पे ये सारी चीज़ें और छोले पूड़ी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई लोग भरपेट खाना खा रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों ने भी खा लिया ऑलमोस्ट। तो ये ग्राउंड पास में ही है, मंदिर के जस्ट पास में ये ग्राउंड है, यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है। आज तो 15 अगस्त है, ये तो बनता है और बस एंजॉय एवरीवन। चलो फिर हम लोग भी चलते हैं घर को, ऊपर प्रोग्राम भी चालू है और अब सीधे मिलते हैं आपको जा कर के चितई गोलजी देवता के पास में। ठीक है गाइस, ओके, जय श्री राम, हर हर महादेव।